न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री पद से जॉन की के अचानक इस्तीफे के बाद बिल इंग्लिश देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। सत्तारूढ़ नेशनल पार्टी ने अनुभवी बिल इंग्लिश को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। स्टेट सर्विसेज मंत्री पाउला बेनेट को उप प्रधानमंत्री नामित किया गया है। नेशनल पार्टी के अध्यक्ष पीटर गुडफेलो ने कहा कि बिल और पाउला बेहतरीन नेता हैं, जो अनुभव और नई सोच का अच्छा मिश्रण है। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में न्यूजीलैंड वासियों को स्थायी सरकार से लाभ मिलते रहेंगे और ये सरकार परिवारों और व्यापारियों के लिए अच्छे परिणाम देने पर समर्पण भाव से ध्यान देती है और व्यापारियों के लिए अच्छे परिणाम देने पर समर्पण भाव से ध्यान देती रहेगी। बता दें कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री पद के लिए जॉन की पहली पसंद 54 साल के इंग्लिश थे। प्रधानमंत्री के रूप में की के कार्यकाल में इंग्लिश ने वित्त मंत्री के तौर पर सेवाएं दी थी और वो न्यूजीलैंड के बजट को वापस बचत की स्थिति में लेकर आए। पेशे से किसान रहे इंग्लिश के पास कॉमर्स एंड लिटरेचर में डिग्रियां हैं। इंग्लिश साल 2090 के बाद से संसद में है और साल 2002 में नेशनल पार्टी के नेता थे। तब पार्टी को चुनाव में करारी हार मिली थी। गौरतलब है कि 5 दिसंबर को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन की ने ये कहते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था कि 8 साल के कार्यकाल के बाद अब इस्तीफा देने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा था कि उनके अब तक के लिए गए फैसलों में से ये फैसला सबसे ज्यादा मुश्किल था। NMF News की रिपोर्ट।